अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई गैंग कुख्यात है। अब इसके गुर्गों ने छत्तीसगढ़ में भी दस्तक दे दी है। रायपुर और रायगढ़ के कारोबारी को मारने के लिए सुपारी देने की जानकारी सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और इस मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। इसी के साथ प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है और डिप्टी सीएम के बयान के बाद लगातार विपक्ष तंज कस रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। छत्तीसगढ़ में दो बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में पहुंचे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे पकड़े गए हैं। पुलिस को शूटर से कई अहम सुराग भी मिले हैं। बताया जाता है कि शूटर रायपुर और रायगढ़ में कारोबारियों से प्रोटेक्शन मनी मांग रहे थे। लंबे समय से दोनों कारोबारियों से प्रोटेक्शन मनी की मांग की जा रही थी। अब 4 शूटर को गिरफ्तार कर जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में भी पुलिस को इन शूटर्स से अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। इस बीच उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस मामले में दो टुक लहजे में कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई हो या फॉरेंस बिश्नोई, छत्तीसगढ़ में ऐसे आपराधिक तत्व बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ऐसे लोगों को ठोक दिया जाएगा। डिप्टी सीएम के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि छोटे अपराधियों को तो पुलिस पकड़कर रोक नहीं पाती, बड़े गैंग को कहां रोक पाएंगे। धनेंद्र साहू ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे गैंग की धमक छत्तीसगढ़ में बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक अपराधियों के इंटरनेशनल गैंग की धमक नजर नहीं आती थी, लेकिन पहली बार लॉरेंस गैंग और अमन साव गैंग के शूटर पकड़े गए हैं। ऐसे में गृह मंत्री का ऐसे तत्वों को ठोकने का दावा कितना कारगर होगा, आपराधिक घटनाओं को रोकने में सरकार कितनी सफल होती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। तो विजय शर्मा के इस बयान के बाद कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है। इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।